इस मॉड्यूल के अंत में आप 1G पोजीशन में SMAW उपयोग करके ग्रूव वेल्ड बिछा सकेंगे। आइए 1G पोजीशन में SMAW उपयोग करके ग्रूव वेल्ड बिछाने की प्रक्रिया सीखें। चरण एक, PPE पहनें। इसके अलावा आपको शेडेड ग्लास वाली हेड शील्ड भी पहननी चाहिए। चरण दो, फिटअप करें। 1G पोजीशन में समतल की गई सतह पर सीरा तैयार की गई प्लेट्स रखें। ट्राई स्क्वायर उपयोग करके प्लेट्स का स्तर जांच लें। दो प्लेट्स के बीच शुरुआत में 2.5 मिलीमीटर और अंत में 3.15 मिलीमीटर की दूरी रखें। इसे संबंधित छोरों पर सही माप की रॉड्स डालकर सुनिश्चित करें। चरण तीन, टैक वेल्ड करें। चरण दो के अनुसार दूरियां सुनिश्चित करें। वेल्ड की शुरुआत में दो प्लेट्स के बीच की दूरियां भरने के लिए इलेक्ट्रोड उपयोग करें। 2.5 मिलीमीटर की दूरी बनाए रखें। वेल्ड के अंत में दो प्लेट्स के बीच की दूरियां भरने के लिए इलेक्ट्रोड उपयोग करें। 3.15 मिलीमीटर की दूरी बनाए रखें। इसी तरह से प्लेट्स के बीच में एक टैक रखें। चरण चार, चलता बीड बिछाना, रूट रन, दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए की होल तकनीक का पालन करना। स्लैग निकाल दें और वेल्ड के पिछले हिस्से पर भेदन पर गौर करें। रूट रन में संपूर्ण भेदन होना चाहिए, यानी कि प्लेट्स के सिरे फ्यूज्ड होने चाहिए और उल्टी ओर से देखे जाने पर नजर नहीं आनी चाहिए। SMAW में अब रूट रन की होल तकनीक उपयोग करके किया गया है। 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड उपयोग करके रूट पास पर सिंगल रन में हॉट पास करें। सुनिश्चित करें कि करंट 150 से 160 एम्प्स के बीच है। चरण सात, 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड उपयोग करके फिनिशिंग रन करें। वन जी पोजिशन SMAW उपयोग करके ग्रूव वेल्डिंग पूरी हो गई।